हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे एक ब्रांड न्यू इवेंट की, जो कि कल से गेम के अंदर आ जाएगा। FFCS मतलब फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज समथिंग कुछ नाम है उसका। तो ये एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट है जो कि फ्री फायर में हो रहा है, और कल का एक स्पेशल इवेंट हमें गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, सेम बुया इवेंट जैसा, जिसके अंदर हमें बहुत सारे फ्री आइटम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हमें फ्री देखने को मिलेगी, और बहुत सारी पेड भी आएंगी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे कुछ चीजों के लिए। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, साथ साथ एक मेन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो कि एलाइट पास डिस्काउंट इवेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यार एलाइट पास डिस्काउंट में मिलेगा या नहीं, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और हम नेक्स्ट टॉपअप रिवॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यार गाइस आप लोगों को बताने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर एंड तक जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली ये वर्थ होगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपअप रिवॉर्ड को लेके। तो गाइस, दो चीज़ें सामने आ रही है, दो में से एक चीज़ पक्का टॉपअप रिवॉर्ड में आएगी। सबसे पहले ग्लोबल की स्किन आ रही है गाइस सामने, तो देख सकते हो आप लोग, ये ग्लोबल की स्किन हमें टॉपअप रिवॉर्ड में देखने को मिल सकती है। जो नेक्स्ट टॉपअप रिवॉर्ड होगा, उसी में ही 500 डायमंड तक टॉपअप करने पड़ सकते हैं हमको ये ग्लोबल की स्किन निकालने के लिए। बट अगर ये ग्लोबल की स्किन नहीं आती है तो क्या आएगा? तो गाइस, न्यू करेक्टर आने वाला है गेम के अंदर, जिसका नाम है दशा, पता नहीं क्या नाम है, जो भी आप इसके बोलना चाहो। तो इसका हमें टॉपअप रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। 200 डायमंड में हमें कैरेक्टर मिल जाएगा, और 500 या 1000 डायमंड में उसका बंडल मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 500 डायमंड में कैरेक्टर दे और 1000 डायमंड में उसका बंडल दे, कुछ भी कर सकता है ना, वो तो उसके ऊपर है। तो गाइस, इस कैरेक्टर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसके कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात कर ली जाए, तो पढ़ के बता देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। तो रिड्यूस डैमेज टेकन फ्रॉम द फॉल्स बाय 50%, रिड्यूस रिकवरी टाइम फ्रॉम द फॉल्स बाय 80%, रिड्यूस रेट ऑफ रिकॉइल बिल्डअप बाय 10%, रिड्यूस मैक्सिमम रिकॉइल बाय 10%। यार मतलब चार एबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, चार चीज़ें कम हो रही है, तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले रिड्यूस फॉल डैमेज, तो गाइज आप कहीं से जंप करते हो, कहीं पहाड़ी से या कहीं बिल्डिंग से, तो जो डैमेज मिलता है ना आपको, वो 50% कम हो जाएगा। और जैसे आप कहीं से कूदते हो, तो जो आप बैठ के उठते हो, जो टाइम स्पेंड होता है ना उसके अंदर, तो गाइज वो टाइम जो है ना वो 80% तक कम हो जाएगा। एंड गाइज, जब आप फायर करते हो, तो चलते चलते जब फायर करते हो, जो रिकॉयल होता है उसको भी 10% कम कर देगी। मतलब जब हम गोलियां चलाते हैं और हमारे एनिमीज को गोली नहीं पड़ती, तो उसका भी जो रिकॉयल है ना वो 10% तक कम कर देगी, और रिड्यूस मैक्सिमम रिकॉयल बाय 10%। तो यार मैक्सिमम रिकॉयल बाय 10% क्या होता है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सो को जो गन का ओवरऑल रिकॉयल सेट है उसका जो मैक्सिमम रिकॉयल मतलब जो कम कर सकती है वो 10% तक कम कर सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग के तीन तो मैंने समझा दिए, वो इजी, लास्ट वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो तो गाइस मुझे भी कंफ्यूजन है, तो मैं एकदम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट जो समवॉट मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बता दिया। तो ये करेक्टर हमें देखने को मिल सकता है टॉपअप रिवॉर्ड में, 200 या 500 डायमंड्स तक का टॉपअप करने पड़ सकता है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि इतना वर्थ लग रहा है मुझे करेक्टर, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे फ्री फायर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या सीरीज, जो भी नाम है उस इवेंट का, उसके रिवॉर्ड्स पे या उसके जो इवेंट ऐप के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आज अपने गेम लॉगिन करा होगा, तो आपको इस साइड में मतलब अपने स्क्रीन के राइट साइड में, जहाँ पर हमेशा कोई न्यू टैब आता है, ये बुया इवेंट का भी टैब आया था, वहाँ पर एक नया टैब देखने को मिल गया होगा। अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो गाइस वो ओपन नहीं हो रहा, कुछ दो या तीन दिन बोल रहा है शायद, पता नहीं कितने दिन बोल रहा, मुझे याद नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी तो ओपन नहीं हो रहा है। बट मैं आपको एक फोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ और एनिमेशन दिखा देता हूँ कि कैसे क्या एनिमेशन होंगे। तो गाइस, सबसे पहला जैसे मतलब वो इवेंट आ जाएगा, तो आप उस पर टैप करोगे तो ऐसे कुछ तरीके से वो इवेंट ओपन होगा, देख सकते हो आप लोग, ये दूसरी लैंग्वेज में है। आई नो लीक्स यार हमें सेम सर्वर के नहीं मिलते हैं, पर आप समझ सकते हो ना। तो गाइस देख सकते हो, इस स्टाइल में वो ओपन होगा, और अंदर का मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको फोटोज़ दिखा सकता हूँ कि अंदर का जो इंटरफेस है वो कैसा होगा। तो गाइस देख सकते हो, एक लोडिंग स्क्रीन होने वाली है हमारे गेम की, चेंज मोस्ट प्रोबेबली की लोडिंग स्क्रीन होगी, जो हमें गेम ओपन करते तब देखने को मिलेगी, अभी भी कुछ ऐसी मिलती जुलती है। फिर सेकेंड, आप जैसे ही हम वो इवेंट के टैब पर क्लिक करेंगे तो अंदर कुछ ऐसा हमें इवेंट देखने को मिलेगा, एक दूसरा इवेंट है बेसिकली ये, और इसमें भी कुछ स्पिन्स वगैरह करना, देख सकते हो आप लोग, कुछ स्पेशल टोकन्स दिख रहे हैं नीचे, और उसमें भी हमें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। राइट साइड में आपको बार देखने को मिल रहा है, जिस पर आप कुछ नंबर ऑफ स्पिन्स करोगे तो आपको कुछ शायद से कुछ
अपने माइलस्टोन्स हैं और ऊपर लास्ट में हमारा गिफ्ट वाला क्रेट है जिसके अंदर से हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली गाइस इसके अंदर से हमें फीमेल बंडल, 100 बोट और ग्रेनेड की स्क्रीन फ्री में मिलेगी। क्योंकि गाइस देख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्लियर तो नहीं है गाइस कि क्या हो सकता है, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा। नीचे आपको देख सकते हो कितने सारे क्रेट्स हैं, जितने क्रेट्स उतने रिवॉर्ड्स गाइस, जितने क्रेट्स उतने रिवॉर्ड्स। आपको इतना तो पता ही होगी हर क्रेट में कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिलता ही है, और इन दी एंड कुछ मेगा रिवॉर्ड तो होगा ही, कुछ मेगा प्राइस तो होगा ही। और फिर ये एक और हमें टैब नया देखने को मिल रहा है, ये तो हमारा आई थिंक सो टीम्स का स्लॉट डिसाइड करने वाला सिस्टम होगा, जो हर बार आता है कि यार हमें टीम सिलेक्ट करनी पड़ती थी कौन टीम जीतेगी, और अगर हमारे सिलेक्शन सही होते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें एक 100 बोट क्लेम करते हुए एक फोटो दिख रही है, मतलब हमें 100 बोट फ्री में देखने को मिल सकता है उसी टाइप के अंदर, या फिर हमें उसी सिलेक्शन वाले इवेंट में देखने को मिल सकता है कि 100 बोट वो भी फ्री में। अब बात करी जाए रिवॉर्ड्स की, या फिर बात करी जाए आइटम्स की, कि हमें क्या क्या आइटम्स देखने को मिल सकते हैं इस इवेंट में, तो वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस कुछ बैग की स्किन्स होगी, देख सकते हो आप लोग, ये बैकपैक है, ये बैकपैक आप में देखने को मिलेगा तो ये भी फ्री में मिल सकता है, और या फिर किसी साइड इवेंट में आ सकता है। गाइस देखने को बात करें तो ठीक ठाक बैकपैक है, सिंपल सा है, डिसेंट सा है, ज़्यादा कुछ मतलब तड़कता भड़कता नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा लग रहा है बैकपैक। उसी के साथ साथ और भी बैग की स्किन्स है गाइस, ये सिंपल है, बस ये कलर चेंज है, बाकी जो बैग का साइज़ है और जो शेप है वो सेम जो नॉर्मल होता है वैसा ही है, बस कलर अलग है। और एक और हमें सर्व बोर्ड देखने को मिल रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये नॉर्मल सा सर्व बोर्ड है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस नॉर्मल सर्व बोर्ड में एनिमेशन दे रखे हैं। बट गाइस जो नेक्स्ट सर्व बोर्ड है ये बहुत ही ऑसम है, देख सकते हो आप लोग, पूरा मतलब UAE बना रखा है, या फिर क्या बोलो, UAV है, या फिर जो भी बोलो यार, बहुत ही ऑसम लग रहा है। और फिर पैराशूट वगैरह भी गाइस हमें देखने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली कि कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाए। एंड गाइस फिर ये कार की स्किन है, और बहुत ही अच्छी स्किन लगी है मुझे, स्पोर्ट्स कार की स्किन है ये अपनी, मेरे पास वैसे ऑलरेडी लेजेंडरी वाली है तो इससे मैटर नहीं करता। एंड फिर आता है हमारा लूट बॉक्स गाइस, ये है हमारा लूट बॉक्स, और लूट बॉक्स भी अच्छा लग रहा है, छोटा है पर ठीक है। फिर बैनर अवतार जो हमेशा हर इवेंट में आते ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैनर अवतार हमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ में फ्री में मिल ही जाते हैं। फिर गाइस FFCS के स्पेशल टोकन देखने को मिल रहे हैं, मतलब हो सकता है कि कोई स्पेशल रॉयल देखने को मिले हमें उस टाइम पे। और फिर ये हमारा लॉबी का पॉइंट ट्री है, जो हमें लॉबी में प्लान करते हैं, जिससे हमें फ्री डायमंड्स या फिर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कभी सभी। और इन दी एंड ये कुछ टोकन से गाइस, जो टोकन हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे इस गेम के अंदर, और इन टोकन से हम रिडीम कर पाएंगे कुछ रिवॉर्ड्स या फिर कुछ इवेंट। जैसे मैंने आपको एक इवेंट दिखाया था, उसके अंदर कुछ टोकन दिख रहे थे, तो ये टोकन उन्हीं में से कुछ एक हो सकते हैं, जिससे हम कोई से इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, स्पिन कर पाएंगे। और फिर आती है हमारी M4A1 की स्किन, जो कि वेपन रॉयल में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, अभी तक वेपन रॉयल के ही लीक आ रहा है और किसी इवेंट का लीक नहीं आया है, तो मुझे भी लगता है कि वेपन रॉयल में ही आएगी। और उसी की थीम पर एक ग्रोजा की स्किन, जैसे कि आपको पता ही कोई भी स्किन आती है हमारे वेपन रॉयल में, तो उसी की थीम पर एक नॉन लेजेंडरी स्किन भी आती है। तो गाइस ये है वो ग्रोजा की स्किन, जो कि डबल डैमेज वाली, और लिटरली गाइस अच्छा डैमेज इस स्किन का। तो और ये दोनों स्किन आपको लॉबी के अंदर मिल जाएगी टेस्ट के लिए, तो अगर आपको इनमें से कोई से लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली उसमें से चेकआउट कर सकते हो। और फिर आता है गाइस हमारा ग्रेनेड, जैसे बूया के इवेंट पे ग्रेनेड आया था, तो स्पेशली इसमें भी एक नया ग्रेनेड देखने को मिल रहा है हमें, और ये हो सकता है कि ये भी हमें फ्री में देखने को मिल जाए। एनिमेशन की बात करूँ तो ठीक ठाक एनिमेशन है, कोई ज़्यादा खास नहीं थे, बट ओके एनिमेशन थे, पर अगर फ्री में मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, आते हैं हम हमारे बंडल्स के ऊपर। तो गाइस मेल बंडल की बात करें, सबसे पहले तो मेल बंडल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मुझे लगता है कि ये हमें फ्री में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इवेंट के अंदर जो फोटो बना है उसमें फीमेल बंडल देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि फीमेल बंडल फ्री में मिलेगा। मेल बंडल हमें किसी डायमंड वाले इवेंट में देखने को मिल सकता है, सेम जैसे बुया इवेंट में हुआ था। बाकी मेल बंडल की बात करूँ तो बहुत ही ऑसम लगेगा, टॉप बॉटम जो भी बोलो, हेयर स्टाइल बोलो, सब अच्छी लगी है मुझे। पर्सनली जो जैकेट वाला, मतलब जो उसका आउटफिट है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक है, थोड़ा सा कूल लुकिंग है, और यही चीज़ ना दूसरे बंडल के साथ मिक्स मैच बहुत ईजिली हो जाती है। एंड गाइस सेम को उसको फीमेल बंडल भी मुझे अच्छा लगा, एकदम बुरा तो नहीं बोलूँगा, अच्छा लगा जैसे। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये फीमेल बंडल हमें फ्री में देखने को मिलेगा। गरीना मोस्टली फीमेल बंडल ही फ्री में देता है, क्योंकि यार फीमेल बंडल के लिए कोई डायमंड स्पेंड करना पसंद नहीं करता है, तो ये फीमेल बंडल हमें फ्री में मिल सकता है गाइस इसी इवेंट के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली कि हमें कल ही सब कुछ पता चल जाएगा, वैसे तो कल ही इवेंट ओपन हो जाएगा, कल की ही डेट सामने आ रही है। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आते हैं हमारे एलाइट पास इवेंट के बारे में, कि एलाइट पास हमें डिस्काउंट में किस इवेंट में देखने को मिल सकता है। पर गाइस उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यार वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हो, अगर इंजॉय कर रहे हो तो यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ जो बेल आइकन आ रहा है बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई इवेंट अपडेट्स या लीक्स की वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो।
सो गाइस एलाइट पास डिस्काउंट की इवन की बात करें तो गाइस इस बार बहुत हाई चांसेस है कि हमें एलाइट पास डिस्काउंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस 27 नवंबर को आ रहा है ब्लैक फ्राइडे, और ब्लैक फ्राइडे एक बहुत ही स्पेशल डे होता है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उस दिन होता क्या है, बट इतना मुझे पता है कि बाहर कंट्रीज में इसे मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तौर पर मनाया जाता है। और जैसे हमारे दिवाली के टाइम पे कितने डिस्काउंट्स मिलते हैं हमें अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग जगहों पे, और ऑफर्स आते हैं, सेम गाइस बाहर ऐसे ब्लैक फ्राइडे वाले डे पे होता है, उसका स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं साइट्स पे, वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन परचेस पे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबली लग रहा है कि हमें फ्री फायर में भी डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल जाएगा। ब्लैक फ्राइडे सेल के नाम से ये डिस्काउंट इवेंट हो सकता है और उसमें हमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस में आपको सामने दिखाई रहा हूँ अलग अलग आइटम्स, इसमें हमें अकॉर्डिंग टू सर्वर वैरी करेंगे, बट इंडियन सर्वर में अगर ये आता है 24-25 तक तो डेफिनेटली कि हमें एलाइट पास मिलेगा इसके अंदर। और ब्लैक फ्राइडे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल टाइप बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि हमें ब्लैक फ्राइडे सेल के तौर पर ये इवेंट ज़रूर देखने को मिलेगा इंडियन सर्वर में, और एलाइट पास भी उसके अंदर मिल ही जाएगा। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस इवेंट को लेकर, क्योंकि मुझे एलाइट पास चाहिए यार। लास्ट दो बार से मैं एलाइट पास नहीं ले पा रहा हूँ, बट इस बार ज़रूर लेना चाहता हूँ। तो गाइस यही कुछ अपडेट्स एंड इवेंट्स जो गेम के अंदर जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली तो यार कल ही पता चल जाएगा हमें कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो यार वीडियो को ही रैप अप करते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आपको ये न्यू आइटम्स कैसे लगे। सो गाइस बाय बाय। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.